सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज हम लोग इस वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे क्या है, फैमिली सर्वे कैसे करनी है और फैमिली सर्वे में किन किन मेंबर को ऐड करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप सभी लोग पोषण ट्रैकर ऐप में फैमिली सर्वे कर रही हैं, तो कुछ आंगनवाड़ी सेविका बहनें जो हैं वो फैमिली सर्वे करते टाइम कुछ गलतियां कर रही हैं। वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। फैमिली सर्वे का नियम क्या है वो पूरा आप लोगों को जान लेना है, उसके बाद ही आप लोग फैमिली सर्वे कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं फैमिली सर्वे के रिगार्डिंग। जो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाए। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो एक्शन सेंटर है यहाँ पर, उसके नीचे यहाँ पर एक फैमिली सर्वे का मॉड्यूल दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे पहले से जो फैमिली सर्वे किया गया है उसकी लिस्ट आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि किन किन लोगों का यहाँ पे फैमिली सर्वे किया गया है। तो माता पिता, अभिभावक, पुरुष बच्चे, महिला बच्चे, चीज़ें आप लोगों को समझ लेनी है कि माता पिता, अभिभावक, पुरुष बच्चे और महिला बच्चे को हम लोग कब ऐड करेंगे। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नियम जो है, सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो फैमिली सर्वे है वो किनका करना है। यहाँ पे लिखा है परिवार शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एक परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। माता और पिता की मृत्यु के मामले में परिवार में अभिभावक और बच्चे शामिल होंगे। ये चीज़ आपको समझनी है कि फैमिली सर्वे में माता पिता और बच्चे को शामिल किया जाएगा। अगर माता और पिता दोनों नहीं हैं तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि अभिभावक हैं, उनका नाम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि फैमिली सर्वे में सिर्फ और सिर्फ माता और पिता को ही ऐड करना है और बच्चे को ही ऐड करना है, बाकी जो अभिभावक हैं उनको ऐड नहीं करना है। कंडीशन जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अगर माता पिता नहीं रहेंगे उस कंडीशन में आप लोग अभिभावक को शामिल कर सकते हैं। अगर माता और पिता दोनों जीवित हैं तो उनका यहाँ पे सर्वे करना है और जो उनके बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का सर्वे करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्वे करना कैसे है। पहले चरण के रूप में आपको परिवार के मुखिया की प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता है। माता पिता या अभिभावक परिवार के मुखिया हो सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति में से किसी को आप लोग फैमिली का हेड बना सकते हैं, माता को बनाइए या पिता को बनाइए, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आप लोग फैमिली हेड में माता को ही यहाँ पे शामिल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि माता का जो डिटेल्स है आपके पोषण ट्रैकर ऐप में पहले से फीड किया हुआ मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को झंझट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए हम यहाँ पर माता को फैमिली हेड बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जीवित वाले पर क्लिक करना है। जीवित वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आ जाता है। पोषण ट्रैकर ऐप में जो प्रोफाइल ऐड है वहाँ से हम इसका डेटा ले सकते हैं या फिर यहाँ पे नया प्रोफाइल बना सकते हैं। मान लीजिए अगर पोषण ट्रैकर ऐप में कोई भी लाभार्थी का हम लोग फैमिली हेड बना रहे हैं, अगर उनका डेटा नहीं है तो यहाँ से नया क्रिएट करके डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हस्बैंड होते हैं उनका डाटा पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ से क्रिएट करके बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर माता को फैमिली हेड बना रहे हैं, तो हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप से इनका डिटेल्स उठाएँगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिनको हम लोग फैमिली हेड बनाएंगे उसके नाम के आगे जो सर्कल दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे और प्रक्रिया की गई इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो पूरा डेटा इनका निकल के आ जाएगा पोषण ट्रैकर ऐप में जो आपने यहाँ पे फीड किया होगा। ठीक है, आधार संख्या, नाम, जेंडर, जन्म तिथि, गांव, वार्ड, एलजी कोड, सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही फीड किया हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर श्रेणी सिलेक्ट करना है। श्रेणी में जो जिस श्रेणी से, जिस कैटेगरी से वो आती हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है, एससी, एसटी और अदर। तो हम लोग यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे धर्म सिलेक्ट करेंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है राज्य में अल्पसंख्यक, तो ये अल्पसंख्यक नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्या ये AWC क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो हाँ। परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो यहाँ पर स्वयं ही रहेगा, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है।
वर्तमान वैवाहिक स्थिति, तो विवाहित हैं तो यहाँ पे विवाहित पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मातृत्व की स्थिति, यानी कि ये जो माता है वो किस कैटेगरी की है, गर्भवती है, धात्री है, तो आप लोगों को पहले चेक कर लेना है कि हम लोग जिसको फैमिली हेड बना रहे हैं वो किस कैटेगरी के लाभार्थी को फैमिली हेड बना रहे हैं, गर्भवती है या धात्री है, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम धात्री वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या ये लाभार्थी आपके ICDS के सेवाओं का लाभ उठाती है, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे और प्रस्तुत और प्रक्रिया करे पे क्लिक कर देंगे। ये आपका एक फैमिली हेड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं फैमिली हेड क्रिएट हो। अब यहाँ पे फैमिली सर्वे जो बाकी अन्य सदस्य हैं, जैसे इनके हस्बैंड, इनके जो बच्चे हैं उनको ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में भी आप लोगों को समझाया गया है, माता पिता और दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे या तीन बच्चे हैं तो तीन बच्चे को ऐड करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को फैमिली सर्वे में किसी भी परिवार के मुखिया को डिलीट करना है, तो जब आप फैमिली सर्वे बना रहे हैं उसी टाइम आप लोग यहां पर डिलीट कर सकते हैं। बाद में अगर इसको सबमिट कर देते हैं फैमिली सर्वे में, तो आप वहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारी सेविका भावने पूछती हैं कि फैमिली सर्वे में जिसको हम लोग हेड बनाए हैं उसको डिलीट कर सकते हैं या नहीं। इसी टाइम आप लोग डिलीट कर सकते हैं जब आप क्रिएट करेंगे, अगर बाद में डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इनके जो फैमिली मेम्बर हैं, जैसे हस्बैंड और जो बच्चे, तो यहाँ से हम उनका प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अगर बच्चे यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड हैं तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे कि कितने बच्चे इनके पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चे का नाम यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके और ऐड कर सकते हैं। अगर इनके बच्चे और भी होंगे तो हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके उन बच्चों का नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया की गई, इस पर क्लिक करेंगे। सारा कुछ यहाँ पर फिल रहेगा, यहाँ पे परिवार के मुखिया के साथ इस बच्चे का क्या संबंध है, तो यहाँ पे उस संबंध को दिखाना है। उसके बाद वैवाहिक की स्थिति, तो अन्य पे क्लिक करेंगे और ICDS का जो सेवा है इस बच्चे को मिलता है, तो हाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो एक बच्चे का यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अगर इनके और भी कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जो न्यू प्रोफाइल है यहाँ से हम लोग उनका प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे, नाम डालेंगे, जेंडर डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, परिवार के मुखिया के साथ क्या संबंध है वो डालेंगे, वैवाहिक स्थिति डालेंगे और ICDS के अनुसार जो इनको लाभ मिलता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक आएंगे और यहाँ पे जो हस्बैंड है, तो हस्बैंड का नाम पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड नहीं होता है, तो हम लोग उनका भी यहाँ पर न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके यहाँ से उनका नाम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को फैमिली सर्वे में जो माता पिता और जो बच्चे हैं उनका ही फैमिली का सर्वे करना है, बाकी जो दादा दादी हैं उनका फैमिली सर्वे नहीं करना है। इस प्रकार से आप लोग फैमिली सर्वे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि जो फैमिली सर्वे का मुखिया है, यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा था वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। मैंने उसी टाइम आप लोगों को बोला था अगर उसी टाइम आप लोग हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। बात बाकी आप लोग बाद में कोशिश करेंगे कि फैमिली सर्वे का जो मुखिया है उसको हटाएं, तो अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार से आप लोग सर्वे करेंगे, फैमिली के मुखिया का जो नाम है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, उनके जो बच्चे हैं, एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे ऐड करेंगे, उनका जो हस्बैंड है उनका नाम यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं जिनको भी हमने यहाँ पे सबमिट किया है उनका नाम यहाँ पे आ चुका है, रोशन कुमारी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो न्यू अपडेट आया था उसमें आप लोगों को यहाँ पे फैमिली सर्वे में हैशटैग लगा के यहाँ पे संख्या यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि जो फैमिली का मुखिया है जो हमने यहाँ पे नाम अभी फ़िलहाल ऐड किया है वो सारा नाम यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग डेट भी देख पाएंगे कि किस डेट को इनका जो फैमिली सर्वे है वो किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले हमने 8 लाभार्थियों का सर्वे किया था, तो देखिए यहाँ पे हमने एक लाभार्थी का सर्वे किया तो यहाँ पे 10 हो गया। पहले भी एक लाभार्थी का सर्वे किया गया था जो यहाँ पे शो नहीं हुआ था, तो यहाँ पे रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे नंबरों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दी हो फैमिली सर्वे को लेकर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी
कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।